यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। सीधे आपको लिए चलेंगे ऋषिकेश, यहाँ पे हमारे सहयोगी अमनदीप हैं और अमनदीप से देखेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही गंगा आरती की। अमनदीप, जी अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का यहाँ आयोजन किया गया था 1 मार्च से 7 मार्च तक, वो तो खत्म हो गया है, लेकिन जो लोगों का गंगा आरती के प्रति प्रेम है वो अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि 7 मार्च यानी कि बीते कल इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी आज भी लोगों की भीड़ गंगा घाट पर परमार्थ निकेतन में लगातार बनी हुई है और इसका प्रमाण आपको इन तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई दे सकता है। और खास बात यह है, आज जिस तरह से 8 मार्च है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, कल उसका आखिरी दिन था, आज फिर भी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा यहाँ पर परमार्थ निकेतन में लगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ चाइना से लोग आए हैं और इजराइल से लोग आए हैं। इजराइल से कुछ खास मेहमान आए हैं जो कि इस वक्त स्वामी चित्तरंजन सरस्वती जी के बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं और इस वक्त हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ किया जा रहा है। कुछ देर अभी बाकी है गंगा आरती होने में, भव्य गंगा आरती होने में, और उससे पहले जो लोग हैं यहाँ पर सभी बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं और भव्य एक नजारा यहाँ पर रोज की तरह देखने को मिल रहा है। ऐसे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता अभिषेक कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2018 जो कि यहाँ आयोजित किया गया था उसका समापन हो चुका है। आज भी वही जोश लोगों में बरकरार है। बेशक अब यहाँ पर योगा फेस्टिवल नहीं है, लेकिन फिर भी जो माँ गंगा के प्रति इनकी श्रद्धा है, जो माँ गंगा के प्रति इनका प्रेम है, वो लगातार देखते ही बनता है और तस्वीरों के माध्यम से वो हमारे दर्शक जो हैं वो भी देख सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, तो लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगा आरती की, जो तैयारियां चलती हैं, किस तरीके से गंगा आरती के पहले तमाम पूजा पाठ की जाती है। अभी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, उसके बाद गंगा आरती की जाती है। योगा फेस्टिवल के बाद भी कई लोग वहां पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी बात अमनदीप ये है कि ऋषिकेश दुनिया भर में इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि शाम की जो गंगा आरती होती है वो अपने आप में बेहद ही शानदार और बेहद ही खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक कि यहाँ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का एक बहाना भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के बहाने से यहाँ पर करीब करीब 94 देशों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। उनमें से कुछ लोग जो हैं ज़्यादातर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद और लोग विदेशों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और जिस तरह से जिक्र किया आपने भी और हमने भी गंगा आरती का, भव्य गंगा आरती, क्योंकि गंगा जो है वो बहुत कुछ सिखाती है, निरंतर बहना, निरंतर चलते रहना, लाख यहाँ मुसीबतें आएं, लाख रुकावटें आएं, इसके बावजूद भी गंगा कभी नहीं रुकती और गंगा जिसे हम माँ गंगा भी कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, वो निरंतर चलते रहने का एक संदेश जो है वो मानव को देती है, मनुष्य को देती है, इंसान को देती है और ये भी सिखाती है कि हमेशा जो है सबके लिए एक सा मन रखना चाहिए, क्योंकि गंगा जो है वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है। सभी लोग आकर के गंगा में स्नान करते हैं, इस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं और यही सब जो है एक मानवता का संदेश, एक आपसी प्रेम का संदेश गंगा के द्वारा पूरी दुनिया में दिया जाता है, जिसका यहाँ पर नजारा लेने के लिए खासकर कि गंगा, भव्य गंगा आरती का आज भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। विदेशों से लोग यहाँ पर आए हैं, चाइना से लोग, जिस तरह मैंने बताया, यहाँ पर आए हैं, गुजरात से बहुत लोग आए हैं, इसराइल से खासकर मेहमान आए हैं जो कि स्वामी चित्तरंजन सरस्वती जी के बिल्कुल साथ में वहाँ विराजमान हैं और हनुमान चालीसा का पाठ, हालांकि उनको शायद हिंदी इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन फिर भी जो इस वक्त मंत्रमुग्ध एक समा बन गया है हनुमान चालीसा के दौरान, क्योंकि संगीत और आध्यात्म का जब मेल होता है तो आप वाकई में जो वो नजारा होता है वो बिल्कुल भव्य होता है और वो इस वक्त परमार्थ निकेतन में गंगा घाट के किनारे में देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर में जिसके लिए गंगा घाट मशहूर है यानी कि भव्य गंगा आरती, वो भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर गंगा आरती की तैयारियां चल रही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, कई देशों के लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं, साथ में देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं
और हर दिन चलने वाली आरती अपने आप में बेहद ही प्रसिद्ध है। यहाँ जो भी जाए, भाषा पे पकड़ हो या ना हो, हिंदी आती हो या ना हो, आप किसी भी देश के हो, लेकिन जिस बात का जिक्र मनदीप ठाकुर कर रहे थे कि जब संगीत और अध्यात्म जुड़ता है तो आपको समझ में आता है और आप उसी मधुरता के मधुर ताल में जुड़ जाते हैं, और कुछ नहीं तो आप समझने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि अध्यात्म वो ताकत है जो आपको समय के साथ चलते रहना और वक्त जैसे कभी नहीं रुकता, जैसे गंगा कभी बहने से नहीं रुकती, वो कभी ठहरती नहीं, वैसे इंसान को भी ये सिखाती है कि आप भी चलते रहें। और शायद ये तस्वीर वही कुछ संदेश हमारे मानव जीवन को देती है। गंगा आरती ऋषिकेश में जब होती है तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं, और जो लोग घाट पर मौजूद रहते हैं वो अपने आप के बेहद ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनको ये मौका मिला। स्वामी चिदानंद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और उनके पीछे इसराइल के कई नागरिक बैठे हैं, अलग अलग देशों के लोग भी आते हैं, और यही कारण है कि ऋषिकेश की आरती अपने आप में दुनिया में शुमार है, जिसका जिक्र न सिर्फ भारत में होता है बल्कि अलग अलग देशों में भी होता है। क्योंकि आरती की तैयारी हो गई है, आरती के बाद यहाँ पर रहेंगे और अंतिम जो आज आरती के बाद संदेश होगा वो होगा हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारी महिला सशक्तिकरण और हमारे चाइल्ड वेलफेयर के बाल कल्याण के लिए जो मंत्री जी हैं श्रीमती रेखा आर्या जी, आइए आरती करें, क्योंकि आरती उन्होंने जला दी है। और मैं समझता हूँ पहले आरती हो जाए उसके बाद संदेश। कर्पूर गौरम करुणारतारम संसार सारम भुजगिंगारम सदा प्रसन्नम हृदयारविन्दे सदा प्रसन्नम हृदयारविन्दे भवभवानी सहितम नमामि जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुम को जाता जो नर मैया जी को जाता Thank you.
आरती के इस दिव्य और पवित्र काल में जिस माँ गंगा की हम आरती करते हैं वो भी तो एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जिससे हम सबको शक्ति मिलती है, ऐसी शक्ति जो हम सबको ऊर्जा प्रदान करती है। मुझे लगता है जब भारत के उपराष्ट्रपति व्हेन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज हियर जस्ट फ्यू डेज बैक व्हेन ही इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल एंड पीपल फ्रॉम योगीज फ्रॉम 96 कंट्रीज वर हियर, ही सेड वन थिंग वेरी ब्यूटीफुल। He said, let us remember three things, culture, nature and future. This is our culture. This is our culture. And this culture only can be protected by the mothers. If mothers can protect the culture, the whole family is there to preserve the culture. If mother, today unfortunately, we blame the children. मुझे तो लगता है बच्चों की बात नहीं, आज तो माँ ही खोती जा रही है।